आज मैं बात करने वाला हूं कि ऐसे कौन से 10 टिप्स है या 10 रास्ते है या 10 तरीके हैं कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर मिल सकता है और वो आपने कभी किया नहीं होगा शायद। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेक्स के दो फंक्शन है मेनली, एक है प्रोक्रिएशन मतलब वंश बढ़ाना और दूसरा है प्लेजर लेना, आनंद लेना। मगर हम क्या करते हैं कि आनंद मिलता नहीं है और उसके लिए बहुत सारे काम करते रहते हैं, बहुत सारी बातें करते रहते और उससे मिलता भी नहीं आनंद, या मिलता भी होगा। अभी मैं आपको ऐसी 10 बातें बताऊंगा कि जो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सेक्स में आनंद मिलेगा। तो नंबर एक, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना मतलब संवाद करना एक दूसरे से, पति पत्नी ने अपने पार्टनर से संवाद करना बहुत जरूरी है। और संवाद जो करना है वो बेड पर करने का नहीं है, सेक्स के बारे में संवाद बेड पर नहीं होगा, बेड पर सेक्स होता है। अभी बेड पर क्या करना है, बेड पर संवाद का नाम ही नहीं लेना है, मतलब संवाद करना है मगर मैं जो बोल रहा हूँ संवाद, वो संवाद बेड पर नहीं करना है। फिर कहाँ करना है, बेड के बाहर करना है। बेड के बाहर कहाँ हो सकता है कि समझो रात को आप खाना खाने जाते हो, जस्ट वॉक करने जाते हो, घूमने जाते हो, तो उस समय फिर आप बात कर सकते हैं पत्नी के साथ में, पति के साथ में, कि भाई सब तरह की बातें आप बना सकते हैं, बता सकते हैं कि सेक्स के बारे में बता सकते हैं, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार, ऐसी बातें करना। नंबर दो इसमें यह है कि भाई आपको एक बार बात करके नहीं होगा, आपको बार बार बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई एक बार तो मैंने बोल दिया मेरे को क्या चाहिए बस हो गया, ऐसा नहीं, आपको बार 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 बोलना पड़ेगा। जब जब जाते हैं तब तब फिर से टॉपिक निकालना, फिर से बोलना है सेक्स के बारे में। और नंबर तीन उसमें आपने क्या करना है कि जब बातें करेंगे उसमें बताना है कि भाई मुझे क्या अच्छा लगता है, भाई मुझे यहाँ टच किया तो अच्छा लगता है, शोल्डर के ऊपर, या किस किया तो अच्छा लगता है, या बैक पर, या बटक्स पर, या निपल को, जो भी कुछ है। तो भाई अपने पार्टनर को बोलना है कि भाई मुझे ये अच्छा लगता है, उससे मुझे एक्साइटमेंट होता है, तो मुझे ये कर, मुझे ऐसा एक्साइटमेंट कर। और फिर उसको भी पूछना है पत्नी को कि भाई तुमको कहाँ अच्छा लगता है टच किया तो, क्या किया तो आपको अच्छा लगता है, क्या किया तो आपको एन्जॉयमेंट आता है, वो पूछना है। और इसमें नंबर चार का पॉइंट है, ये पॉइंट है नंबर चार का कि भाई आपको यदि कोई मेडिकल इशू है तो वो भी चर्चा करना है, बताना है, और उसके वजह से भाई सेक्सुअल परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करना है। हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फिर एडिक्शन है, तंबाकू, सिगरेट, शराब, गांजा, ऐसा कोई एडिक्शन है, तो ये आप क्लियरली बात करते हो, बताते हो, और उसका क्या इफेक्ट होता है ये चर्चा करते हो तो मालूम तो पड़ेगा कम से कम कि क्या हो रहा है। तो ये संवाद करना मतलब ये चार पॉइंट मैंने आपको बताया। नंबर एक है कि घूमने जाना, चर्चा जब करते तो घूमने जाना है तब करना है चर्चा, बेड के बाहर करना है। नंबर दो ये चर्चा एक बार नहीं बार बार होनी चाहिए। नंबर तीन मुझे क्या अच्छा लगता है और तुमको क्या अच्छा लगता है एक्सचेंज करना है। और नंबर चार आपको यदि कोई मेडिकल इशू है, शारीरिक बीमारी है, तो आपने डेफिनेटली बताना है, कम्युनिकेट करना है। तो ये हो गई संवाद की बात है और ये हो गया पॉइंट नंबर एक। नंबर दो का पॉइंट है कि भाई आपने अलग अलग प्रयोग करने के लिए ओपन रहना, लाइक ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब क्या होता है, देखिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यदि औरत को इच्छा नहीं है ज़्यादा, उसका लिबिडो कम है, या आदमी की इच्छा नहीं है उसका लिबिडो कम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे का हस्तमैथुन कर सकते हैं, म्यूचुअल मास्टर्बेशन। और जब म्यूचुअल मास्टर्बेशन आप करते हो तो उसमें दोनों को मज़ा आता है और दोनों भी एक लेवल तक एक्साइट हो जाते हैं। हो सकता है कि औरत का लिबिडो कम है, इच्छा नहीं, मगर आप मास्टरबेट करेंगे तो डेफिनेटली उसका लिबिडो एक लेवल तक आ जाएंगे और वो तैयार हो जाएंगे। हो सकता है कि पुरुष का उतना इच्छा नहीं है और उसका मास्टरबेशन कर देंगे तो एक लेवल पे आ जाएंगे और बाद में वो सेक्स के लिए तैयार हो सकता है। तो लिबिडो दोनों का सरीका लाने के लिए या इच्छा इंटरेस्ट लाने के लिए मास्टरबेशन जरूरी है। और मास्टरबेशन से काफ़ी सारा एक्साइटमेंट आ जाता है और वो एक्साइटमेंट एक ऐसा फाउंडेशन बनता है कि जिसके ऊपर आपका सेक्स हो सकता है। तो इसलिए एक्सप्लोर करना जरूरी है कि एक दूसरे का हस्तमैथुन करना और एक दूसरे को मजा देना और एक्साइट करना। फिर दूसरा जो है ओपन रहना चाहिए हमने, कि भाई बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। और बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर मतलब ऐसा है कि भाई एक दूसरे को, एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर करना, मतलब औरत ने पुरुष के, पुरुष ने औरत के, कि भाई कहाँ टच करके इसको अच्छा लगता है। हो सकता है कि निप्पल, हो सकता है कि ब्रेस्ट, हो सकता है कि चीक्स है, हो सकता है कि लिप्स है, फिर शोल्डर्स है, बैक है, बटक्स है, फिर जांग है, मतलब कहाँ भाई आपको, ईयर लोब्स, कुछ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट करते हैं। तो ऐसे कौन से पार्ट्स को एक्सप्लोर करने के बाद में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है और वो पार्ट्स को एक्सप्लोर करना
वो भी बहुत अच्छा होता है और वो आपका प्लेजर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। फिर नंबर 3 का पॉइंट होता है स्टिम्युलेट द क्लिटोरिस। इसका मतलब क्या होता है कि क्लिटोरिस जो है मतलब योनि लिंग, उसको स्टिम्युलेट करना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि स्त्री का लिंग जो है और पुरुष का लिंग एक्चुअली जगह सेम है। क्या हो गया कि जैसा जन्म के समय मतलब जैसा लड़का या लड़की का जैसा कन्फर्म हो गया पेट माँ के पेट के अंदर कि वो लड़का बनना है कि लड़की बननी है, एक्स वाई है तो लड़का बनता है, एक्स एक्स है तो लड़की बनती है, तो उस समय जो लिंग है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है और वो सीधा बढ़ने के बदले अंदर चले जाता है। अब ये जो योनि लिंग है वो पुरुष के लिंग के बराबर का है स्त्री में। 90% मतलब स्टडी के अनुसार, अभ्यास के अनुसार 90% औरतों ने ये बोला कि भाई हमको क्लिटोरिस स्टिमुलेशन करने से बहुत आनंद होता है और उनमें वो ऑर्गेजम हो जाता है। तो क्लिटोरल स्टिमुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 है कि भाई फोर प्ले करना। फोर प्ले करना मतलब सेक्स एक्चुअली करने के पहले बहुत खेलना। ऐसा बोला जाता है कि एक औरत अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 मिनट लेती है पूरी एक्साइट होने के लिए। क्या होता है कि इट इज़ नॉट अबाउट इंसर्शन कि भाई चलो कपड़े खोलो और डाल दो ना एक बार इजैकुलेट करो बाजे हो जाओ, नहीं वो सेक्स नहीं है उसमें। औरत को मजा ही नहीं आती है, औरत को मजा आती है एक्चुअली फोर प्ले में। तो फोर प्ले करना बहुत ज़रूरी है और फोर प्ले जो है मतलब एक्चुअली लिंग का योनि में प्रवेश करने के पहले का जो समय है वो समय आपका 20 से 30 मिनट हो सकता है, जिसमें औरत बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगी और वो तैयार हो जाएंगी और वो डिमांड करेंगी कि अभी सेक्स करो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ तक आना चाहिए। उससे क्या होता है कि वहाँ पानी भी बहुत छूटता है, उसका लिक्विड बहुत छूटता है कि जो एक्चुअली उसको एक वंगन जैसा मतलब ऑयल का काम करता है कि भाई वो लुब्रिकेंट जैसा काम करता है जिससे लिंग का प्रवेश आसानी से हो जाएगा। तो क्लिटोरल स्टिमुलेशन और फोर प्ले में बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन हो जाता है और लुब्रिकेशन के कारण फिर सेक्स जो है वो आसान हो जाता है। लुब्रिकेशन यदि हुआ नहीं तो फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है और दर्द हो गया तो फिर अगले बार औरत नहीं बोलती है। क्या होता है कि फोर प्ले में और क्लिटोरल स्टिमुलेशन में योनि जो है उसका मार्ग जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने से क्या होता है कि पेनिस को इंसर्शन, पेनिस को अंदर लेने में उसको सुविधा हो जाती है। तो इसलिए फोर प्ले जरूरी है कि मार्ग बड़ा हो जाएगा, उसका जो सिक्रीशन है वो बढ़ेगा और उस सिक्रीशन से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी आता है, क्योंकि वो सिक्रीशन जब आता है तो अंदर ज़्यादा अच्छा प्रवेश हो जाता है, दर्द होता नहीं है और सिक्रीशन से मालूम होता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट औरत को आया हुआ है। तो नंबर 4 का पॉइंट है फोर प्ले। 5वां पॉइंट है लुब्रिकेंट्स या लूब्स का इस्तेमाल करना। क्या होता है कि मेनोपॉज में समझो औरत है मतलब अभी महावारी बंद होने वाली है, उससे क्या उस समय क्या होता है कि हार्मोनल सिक्रीशन कम होता है, वजाना की जो दीवार है वो बहुत पतली होती है, ये जो सिक्रीशन की मैंने अभी बात की वो सिक्रीशन कम हो जाता है और वजाना ड्राई रहता है, गर्म रहता है। और मेनोपॉज में फिर जब आप ज़बरदस्ती करेंगे लिंग का योनि में प्रवेश करना चाहोगे तो वो होंगा नहीं क्योंकि सब ड्राई, फिर उसमें तकलीफ होंगी। ऐसे समय तो लुब्रिकेशन का वापर करना ही चाहिए, लुब्रिकेंट का वापर तो होना ही चाहिए। अब बाकी समय भी आप कर सकते हैं लुब्रिकेशन, क्योंकि लुब्रिकेंट्स जो है लूब्स जो है वो एक तो वाटर बेस्ड रहते हैं, कुछ सिलिकॉन बेस्ड रहते हैं। अब वाटर बेस्ड लूब जो है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, सस्ते भी है और वो आप यदि पहले लगाते हैं तो उससे बहुत अच्छा एक्साइटमेंट आ जाता है। तो पुरुष स्त्री को लगा सकता है, स्त्री पुरुष को लगा सकती है और मसाज कर सकते हैं, उससे बहुत आनंद आता है। तो लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करना, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना और लुब्रिकेशन करना ये बहुत ज़रूरी है। वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जो है ना जल्दी ड्राई हो जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा टिकते भी नहीं है, तो आपको हो सकता है कि टाइम लग गया तो और लगाना पड़ेगा। क्या होता है कि आदमी के लिए कभी कभी मतलब कभी कभी क्या बहुत बार भी ऐसा होता है कि परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और फिर प्रेशर हो गया तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता आदमी पुरुष, मतलब कोई ऐसी मशीन थोड़ी है कि बस चलो बोलो चालू करो तो चालू करो, नहीं ऐसा नहीं होता है। अच्छा कभी आदमी ने जब फटाफट जल्दी इजैकुलेट कर दिया तभी औरत खुश नहीं होंगी, प्रॉब्लम आ जाएगा, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए जो लूब्स का वापर करेंगे, औरत पुरुष को लगाएंगी, पुरुष स्त्री को लगाएंगा, उसमें भी काफ़ी सारा इरेक्शन अच्छा बढ़ सकता है, एक्साइटमेंट अच्छा हो सकता है। और जब पहली जो मैंने पॉइंट बताया उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करके उसमें सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो लूब्स का वापर करना ये 5वां पॉइंट है। 6वां है कि सेक्स जो है ना तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो पर्सनली नहीं लेना चाहिए, पर्सनली। और पर्सनली मतलब ये ऐसा है कि मुझे नहीं आया और मेरा इरेक्शन नहीं आया, मेरा पेनिस कंट्रोल नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा नहीं हुआ,
मेरे में कुछ तो भी कमी है, और उसमें गिल्ट में जाना या अपने आप को कमजोर समझना या सेल्फ एस्टीम डाउन कर लेना, वो गलत है। औरतों ने भी अपने आदमी को ऐसा बुरा बुरा नहीं बोलना चाहिए कि तुम अभी आदमी नहीं हो, तुम ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, ऐसा कुछ बोल के फिर क्या होता है कि उसका ईगो और हर्ट हो जाता है, सेल्फ एस्टीम और डाउन हो जाता है। तो सेक्स में फेल हो गए, इसको कोई वैसा अर्थ लगाने का नहीं है। क्या करते हैं हम, सेक्स में फेल हो गए इसको तुरंत अर्थ लगा देंगे, इसका मतलब मैं अभी पुरुष नहीं रहा, इसका मतलब अभी मैं काम का नहीं रहा, इसका मतलब मैं अभी बहुत बूढ़ा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्स में नहीं, सेक्स नहीं हुआ इसका मतलब सेक्स नहीं हुआ, चलो ये मैं कर नहीं सका, ठीक है अभी मैं क्या करूँ कि वो हो जाएगा। वो कोई मशीन नहीं ना, कोई स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं ना कि स्विच ऑन कर दिया कि ठक इरेक्ट हो गया, स्विच ऑफ कर दिया तो चलो डाउन हो गया, ऐसा नहीं होता ना। सेक्स सेंटर एक्साइट होना जरूरी है, और सेक्स सेंटर हो जाएगा एक्साइट तो वहाँ से इम्पल्स जाएंगे, फिर वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, फिर इरेक्शन आएगा, बहुत सारी लंबी प्रोसीजर होती है। तो पर्सनली लेना नहीं है, और एक दूसरे को टोकना नहीं है, एक दूसरे को नीचा बताना नहीं है, कुछ भी नहीं करने का है। चलो जो प्रॉब्लम है उसको हम करेंगे सॉल्व, तो बहुत ज़्यादा इश्यू बनाने का नहीं है और व्यक्तिगत लेना नहीं है। सातवां पॉइंट है स्ट्रेस कम करो और रिलैक्स रहो। अब रिलैक्सेशन जो है वो आप अलग तरह से कर सकते हैं, जैसे मैं हिप्नोथेरेपी सिखाता हूँ उसमें रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाता हूँ, फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मसाज कर सकते हैं दूसरे को, उसमें काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन हो जाएगा। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया तो स्टेरॉइड सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, स्टेरॉइड सिक्रेशन हो जाएगा और एड्रेनलिन गश आ जाएगा। अब एड्रेनलिन और स्टेरॉइड दोनों भी घातक है सेक्स के लिए, और वो सेक्स कम कर देते हैं, वो एक्साइटमेंट नहीं लाएंगे, वो इरेक्शन नहीं लाएंगे। तो इसलिए रिलैक्स होना जरूरी है, और रिलैक्स आप रहेंगे तो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए मेडिटेशन का वापर करो, कपल रिलैक्सेशन हो सकता है, आप दोनों कपल मतलब दोनों भी मियाँ बीवी मिलके आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हिप्नोथेरेपी कर सकते हैं, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। आठवां जो है पॉइंट वो है कि आपका टाइम शेड्यूल करो सेक्स का, और सेक्स का टाइम शेड्यूल करो। लोग क्या बोलते हैं कि बात हो गई क्या, सेक्स का टाइम क्या शेड्यूल करना पड़ता है क्या, मतलब क्यों नहीं भाई क्यों नहीं करते। देखो आप जब ने डेटिंग किया होगा समझो कोई नहीं, तो डेटिंग के लिए पहले शेड्यूल नहीं करते क्या कि हम अपने गर्लफ्रेंड को ये समय पे मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, शेड्यूल करते हैं ना। दूसरा हम कोई भी काम करते शेड्यूल करते ना कि ये मीटिंग इतने बजे है, ये मीटिंग इतने बजे, मुझे वहाँ इतने बजे आने का है, दो दिन बाद में ये काम करना है, सब तो शेड्यूल करते हैं, डेटिंग भी करते हैं, तो फिर सेक्स क्यों नहीं। क्या होता है कि सेक्स का शेड्यूल किया है कि चलो भाई आज रात को करना है, ऐसा सवेरे ही बता दिया है, या सवेरे दोनों ने ये कर लिया, तय कर लिया कि आज रात को अपने को सेक्स करना है, तो वो तरह से फिर माइंड तैयार हो जाता है, और उसमें फिर दिन भर भी दिन भी अच्छा जाएगा कि आपको सेक्स को रात को करना है सेक्स। क्योंकि क्या होता है कि आप दिन भर भी तैयार हो जाएंगे। यदि आपको मालूम है कि नहीं अभी हम दोनों भी बहुत काम कर रहे हैं, आईटी में है, मंडे टू फ्राइडे काम करते, सैटरडे संडे ऑफ है, सैटरडे को करना है, तो फिर सैटरडे को करना है तो आप तैयार हो जाएंगे फ्राइडे को। देखो ना आपको डेटिंग है या आपको कहीं बाहर जाना है या कुछ करना है, तो फिर आपने क्या किया, आप क्या करते थे, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप परफ्यूम मारेंगे, है ना, तो ये करेंगे ना, तैयार हो जाएंगे। तो वैसे तैयार होना है और तैयार होकर सेक्स करने का है, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि एक होता है स्पॉन्टेनियस सेक्स। स्पॉन्टेनियस सेक्स जो है वो जब यंग है आदमी तो होता है कि बस सामने आ गई लड़की, थोड़ी बात कर लिया, आवाज़ सुन लिया, विचार आ गया, एकदम इरेक्शन आ गया, स्पॉन्टेनियस सेक्स, और तुरंत वो कर भी सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसा स्पॉन्टेनियस सेक्स नहीं होता है, अब लगता है टाइम। तो वो सेक्स का रेस्पॉन्स होता है, कुछ होता है उसका रेस्पॉन्स होता है बाय सेक्स, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव सेक्स। तो रेस्पॉन्सिव सेक्स जो है उसके लिए टाइम लगता है ना, मतलब डिजायर होने को टाइम लगेगा जैसे उम्र बढ़ते जाएंगे। तो रेस्पॉन्सिव सेक्स होगा, और वो रेस्पॉन्सिव सेक्स में पहले तैयार होना, बातें करना, है ना, वो सब जरूरी है। आप मतलब फोर प्ले तो करती है, उसका भी फोर प्ले करना है, मतलब पहले से आप तैयार हो गए, आपको मालूम है, फिर आपने वो हिसाब से हल्का खाना खाया है, फिर हो सकता है कि आपने स्नान किया उसके पहले, बॉडी स्प्रे मार दिया, है ना, बॉडी स्प्रे मार दिया, फिर जांग के बाल है या सब बाल वगैरह सब साफ कर दिए, दोनों सब साथ मिलकर स्नान कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जा सकते हैं बेड के ऊपर, बेडरूम जो है वो एकदम अच्छी बिल्कुल नीट एंड क्लीन डेकोरेटेड, ऐसा नहीं कि गंदी बेडरूम है, गंदी शीट है ना, चादर जो है वो गंदी है, कपड़े अपने गंदे मैले हैं। मतलब हम बाहर जाएंगे ना शादी में तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, गद्दी पर जाएंगे बेड पर तो तेल के दाग वाले कपड़े, तो ये भी नहीं होना है। आपका आवाज़ नहीं होना, रूम साइलेंट है, मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए है, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, प्राइवेसी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे सोए क्या, बच्चे सोए क्या, बच्चे सोए क्या, हाँ सो गए, चलो उठो अभी जाओ उधर करो सेक्स, ऐसा सेक्स नहीं होता है।
हरदम बच्चों को, थोड़े बड़े भी हो गए तो बच्चों को आपको अलग कमरे में सोने के लिए तैयार करना पड़ेगा और आप दोनों अलग कमरे में सोते हैं। फिर दरवाज़ा अंदर से बंद है कि नहीं है, कभी कभी प्राइवेसी भी नहीं रहती है लोगों को, और प्राइवेसी नहीं है, पर्दा लगा हुआ है तो उसमें कितना टेंशन है। अब लोगों के मकान ही छोटे छोटे हैं, दो दो कपल एक ही मकान में रह रहे हैं, सिर्फ पर्दा बीच में है और उसमें सेक्स कर रहे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है, तो ऐसे इसमें सेक्स नहीं होता है। तो ये सब होना जरूरी है, और हरदम स्पॉन्टेनियस सेक्स होगा ऐसा भी नहीं, रेस्पॉन्सिव सेक्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं हाँ पहला है ना, बस पास पास सो भी गए, बात भी किया तभी सेक्स आता था, इरेक्शन हो जाता था और हम सेक्स कर रहे। अभी पिछले दो चार साल में ऐसा हो रहा है कि इतना स्पॉन्टेनियस तो आता ही नहीं है, सोचना पड़ता है, फिर फोरप्ले करना पड़ता है और बाद में इरेक्शन आ जाता है, कभी कभी पेनिस को मसाज करना पड़ता है, ऑयल लेके मसाज करना पड़ता है और फिर बाद में सेक्स आता है। तो जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसा स्पॉन्टेनियस सेक्स होता नहीं, रेस्पॉन्सिव होता है, फिर उसको शेड्यूल करना बहुत जरूरी है ताकि अपना दिमाग तैयार रहे और धीरे 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 उसके उसमें भी एक्साइटमेंट आ जाएगा और एक्चुअली टाइम करने के समय इरेक्शन हो जाएगा। ये हो गया आठवां पॉइंट। अभी बात करेंगे नाइन्थ पॉइंट, वो है माइंडफुलनेस। और माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि बस बीइंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट। जब आप सेक्स कर रहे हैं तो फुल्ली यू आर बीइंग प्रेजेंट विद द अपोजिट पार्टनर, मतलब किस कर रहे हैं तो किस कर रहे हैं 100%, नहीं तो किस कर रहे हैं और दिमाग में विचार है और कहीं के, साथ में सोए और कहीं के विचार आ रहे हैं, फाइनेंस के विचार आ रहे हैं, वो चेक बाउंस हो जाएगा, वो क्या बोलेगा, फलाना क्या करेगा, वो ऐसा करेगा, सब तरह के विचार दिमाग में चालू है तो कुछ नहीं होगा। सो माइंडफुलनेस मतलब फोकस ऑन ईच अदर, फोकस ऑन ईच अदर्स बॉडी पार्ट, टॉक, स्टिम्युलेट, एक्साइट, 100% यू आर फोकसिंग ऑन सेंसेशंस, वो है माइंडफुलनेस। और दसवां जो है वो है रेगुलर एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। ये प्रूव हुआ है कि यदि आप मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है, तो आपका सेक्स अच्छा होगा। और फिजिकली मेडिकली फिट मतलब क्या है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, तो क्या होता है उसमें काफ़ी सारे एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं और बहुत अच्छा लगता है, फील गुड हार्मोन्स है सब, ये वो भी है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन, सब फील गुड हार्मोन एक्सरसाइज करें तो अच्छे मात्रा में सीक्रेट होते हैं और उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो व्यायाम करना है और उसके साथ साथ जब सेक्स करना है तो आपको कम खाने का है, खाना कम होना चाहिए और खाना कम से कम 3 घंटे पहले होना चाहिए, 3-4 घंटे पहले खाना होना चाहिए, बाद में सेक्स करना है। उस समय तंबाकू, सिगरेट, शराब औरतों को अच्छी नहीं लगती है, एंजॉय नहीं करती, वो बोलती नहीं होना वो, और वो भी फिर आप पी के जाएंगे बेड पर और ज़बरदस्ती करेंगे तो उसमें कोई मज़ा नहीं है, सेक्स होता नहीं है। तो ये भी हमने टालना चाहिए कि भाई तंबाकू, दारू, सिगरेट, कोई भी नशे की दवाई। जब खाना भी खा के जाते हैं तो क्या होता है कि वो प्याज, लहसुन, इसका भी बांस, अदरक, इसके भी बांस मुँह को आता है, तो एकदम ब्रश करके जाओ, स्प्रे मार के जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, तो अच्छा वातावरण निर्माण हो जाएगा और उसमें बहुत अच्छा सेक्स हो जाएगा। देखिए सेक्स ये एक बहुत अच्छा कार्य है, ये कोई ऐसा नहीं है कि चलो कर डालो, निपट डालो, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा कार्य, पवित्र कार्य है। सेक्स बोले तो एक ऐसा अन्न है, पूर्ण ब्रह्म बोला जाता है, यानी अन्न जो है ना वो अपने बॉडी को फीड करता है, एनर्जी देता है, तो वैसा सेक्स जो है वो मन को देता है एनर्जी और मन फिट तंदुरुस्त रहता है। सेक्स यदि होता नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा एंगर होगा, बहुत ज़्यादा सेपरेशन होगा और उसमें फिर दिमाग में ठीक नहीं रहेगा, दिमाग ठीक नहीं है, झगड़े, झंझट, बिजनेस चलेगा नहीं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, सेपरेशन, डिवोर्स, शक करना एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए एक ये अच्छा इवेंट है ये समझ के उसके ऊपर काम करके अच्छा सेक्स करना जरूरी है। तो मैंने आपको 10 बातें बताई, 10 टिप्स कि जो आपका सेक्स जो है वो प्लेजरेबल करेंगी। मैं आपको उसको उसका समराइज कर रहा हूँ। नंबर एक जो है वो है संवाद करो, एक दूसरे से कम्युनिकेट करो। नंबर दो है ओपन रहो कि कोई भी नया हम एक्सप्लोर करते, एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए ओपन रहो। नंबर तीन जो है वो है योनि लिंग को स्टिम्युलेट करो, एक्साइट करो, क्लिटोरिस जो है उसको एक्साइट करो। नंबर चार जो है कि फोरप्ले का टाइम बढ़ाओ, 20 से 30 मिनट फोरप्ले का टाइम करो। नंबर पाँच जो है वो है यूज़ लुब्रिकेंट्स। नंबर छः जो है कि डोंट टेक परफॉर्मेंस इश्यूज पर्सनली, खुद पर नहीं लेना है कि मैं खराब हूँ, नहीं। सातवां जो है कि रिलैक्सेशन को इंक्रीज करो, स्ट्रेस लेके बेड पर मत जाओ, रिलैक्स होके जाओ। आठवां जो है कि शेड्यूल करो सेक्स का टाइम, डेट जैसा शेड्यूल करते वैसा करो। नाइन जो है वो माइंडफुलनेस से काम करो और दसवां जो है वो एक्सरसाइज, खान पान, नशा पानी, इसके बारे में है। सो थैंक यू वेरी मच, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप यदि लोगों को शेयर करेंगे ना कि भाई ये भी हो सकता है कि बिना दवाई का आप अच्छा सेक्स कर सकते हो, बिना दवाई का आप प्लेजर ले सकते हैं,
और लोगों को यही चाहिए, तो ये आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। और इसके लिए आपने सबको ये शेयर करना जरूरी है। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।